नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम सभा में। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आपका एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है, उसमें जो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के जो प्रश्न होते हैं, उसी की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है। और अगर आप किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका एप्टीट्यूड से संबंधित प्रश्न 10वीं और 12वीं के स्तर के पूछे जाते हैं, तो आपको ये जो वीडियोज़ हैं काफ़ी हेल्प करेंगे। और इस पर हमारी एक पूरी प्लेलिस्ट उपलब्ध है, तो आप हमारे चैनल पर जाके उस प्लेलिस्ट को ढूंढ सकते हैं। और वो स्पेशली रेलवे, एसएससी और जो आपके दूसरे बैंक के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बनाई गई है, तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद पहुंचाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि कोई भी नई वीडियो आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो इसके पिछले वीडियो में हमने जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कुछ प्रश्न देखे थे, तो उसी की श्रृंखला में थोड़े प्रश्नों का स्तर बढ़ाते हैं। चलिए, तो प्रश्न क्या है चलिए देख लेते हैं एक बार। कोई भी प्रश्न हो एक बार उसको अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रश्न ये है कि 2 वर्ष के अंत में 5% प्रतिवर्ष की दर से 4000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा। तो पहला क्वेश्चन हमने साधारण ब्याज का देखा था, दूसरा प्रश्न हमने देखा था चक्रवृद्धि ब्याज का, और ये तीसरा प्रश्न दोनों का मिश्रित है, यानी कि इसमें साधारण ब्याज भी है और चक्रवृद्धि ब्याज भी है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं पहले। वो इन इस तरह के प्रश्नों में ये देखना होता है कि क्या क्या दिया है और क्या क्या निकालना है, और अगर आपको फार्मूला पता है तो आप उसका मदद लेके जो है देख सकते हैं कि कैसे निकलेगा। तो यही करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको दिया क्या है, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एन दिया है, यानी कि समय कितना है 2 वर्ष, और ब्याज की दर क्या है 5%, यानी कि 5% वार्षिक ब्याज की दर है, और मूलधन कितना दिया है 4000 रुपये। तो ये आपको दिया हुआ है, तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ए माइनस पी, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। और आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होता है ए, इसका फॉर्मूला होता है पी 1+R/100n। और अगर आप चक्रवृद्धि मिश्रधन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाएगा, तो माइनस पी कर देंगे। अब आपका साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज भी सिंपल ही होता है, मूलधन गुड़े दर गुड़े समय बट्टे 100, तो पी गुड़े आर गुड़े एन बट्टे 100। तो हमने यहाँ पे दोनों के जो है फॉर्मूले लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को निकालेंगे नहीं, हम सीधे जो है हमको दोनों का अंतर चाहिए तो हम सीधे अंतर ही निकालेंगे, हमको ज़रूरत नहीं है निकालने की अलग अलग। तो सिंपली मैंने यहाँ पर फार्मूला सीधे रख दिया, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का, तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला माइनस साधारण ब्याज का फार्मूला। अब यहाँ पे मान रखते हैं, चलिए अब दोनों के लिए आर कितना है 5% वार्षिक, मूलधन भी 4000 है और समय 2 वर्ष है, तो सारे मान यहाँ पे उठा के रख देंगे हम, और आपका समीकरण ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिखेगा 4000 जो है कॉमन है तीनों में, तो 4000 को खींच के बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पे जब 1+5/100 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 105/100 का स्क्वायर, यहाँ पे 4000 बाहर लेंगे तो -1 आ जाएगा, और यहाँ पे 4000 जब बाहर लेंगे तो 5×2 = 10 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा। अब इसको जो है हम भिन्न को जो है पूरा मतलब दशमलव में बदल लेंगे, तो 1.05 का स्क्वायर -1 -0.1। अब क्या होगा यहाँ पे, इसको हल करेंगे तो 1.05 का स्क्वायर होता है 1.1025, और -1 और -0.1 -1.1 हो जाएगा। और जब घटा देंगे और इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 4000×0.0025, और यहाँ पे इसको हल करेंगे जब आपका 10 रुपये आएगा, तो सीधे हमने निकाल लिया बिना साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज निकाले कि कितना आपका अंतर आएगा, तो अंतर आएगा 10 रुपये का, तो आपका प्रश्न का विकल्प एक सही होगा, तो 10 रुपये जो है सही जवाब है। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न देख लिया, ये भी काफ़ी आसान था, लेकिन अगर आप इसको आसान हमने बनाया है, अगर आप इसको पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे फिर साधारण ब्याज निकालेंगे तो काफ़ी लंबा होगा, और लास्ट में फिर आपको जो है दोनों का अंतर निकालना होगा, तो वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, ये काफ़ी आसान तरीका है। आप देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन यही है। इसमें क्या है कि एक शहर की जनसंख्या 11200 है, पहले वर्ष में यह 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में यह 15% घटती है, 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो
तो ये जो प्रश्न आपका है ये चक्रवृद्धि की ब्याज की तरह ही है, लेकिन इस बार इन्होंने जनसंख्या पे पूछ दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो धन होता है उसके बढ़ने की दर जो है प्रतिशत आर प्रतिशत होती है, और कितने समय में बढ़ रहा है वो आपका एन होता है। उसी तरह से जनसंख्या भी काम करती है, जनसंख्या के भी बढ़ने की कोई दर होगी और उसका कुछ समय होगा जिसमें वो बढ़ेगी, तो फार्मूला जो है सेम ही अप्लाई होता है। तो प्रश्न क्या है, एक शहर की जनसंख्या 11,200 है, तो 11,200 आपका एक तरह का मूलधन हो गया। मूलधन नहीं है लेकिन आपको इसको मूलधन की तरह मान सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या जो है आपका आपका पहला प्रथम चरण में जो है आपका कितना आपने इन्वेस्टमेंट है वो देख सकते हैं। उस तरह से पहले वर्ष में 25% बढ़ रही है और दूसरे वर्ष में 15% घट रही है, तो मूलधन की तरह ही ये भी जनसंख्या भी जो है पहले 25% बढ़ रही है पहले साल में और दूसरे साल में 15% घट रही है। तो पूछा है 2 वर्ष के अंत में इस शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो आप ये जान लीजिए कि अगर आपकी जनसंख्या 11,200 है और पहले साल में 25% बढ़ जाएगी, तो ये जनसंख्या जो 25% बढ़ेगी वो जनसंख्या जो है आपकी उसमें जोड़ देंगे हम जो पुरानी जनसंख्या है, तो जो जो नई जनसंख्या आएगी उसमें 15% हमको घटाना है, तो ये ध्यान में रखिए। तो वर्तमान जनसंख्या कितनी है 11,200। अब हमको 2 वर्ष के बाद जनसंख्या निकालनी है, तो क्या होगा, वर्तमान जनसंख्या प्लस वृद्धि कितनी होगी पहले साल में, और जो वर्तमान जनसंख्या है उसमें जो वृद्धि होगी उन दोनों को आपस में जब जोड़ देंगे हम तो वो नई जनसंख्या आ जाएगी, और फिर उस नई जनसंख्या में हम कमी निकालेंगे, तो माइनस कमी हो गया। अब देखिए जो वृद्धि है वो कैसे निकलेगी, वर्तमान जनसंख्या तो आपकी 11,200 है, अब आपकी जो वृद्धि है ठीक है, वो वृद्धि निकालने के लिए हमको 11,200 का 25% निकालना पड़ेगा, तो ये आपकी वृद्धि हो जाएगी। अब कमी निकालने का ध्यान रखेंगे आप, कमी जब निकालेंगे आप तो कमी निकालते टाइम ध्यान रखिए कि जिस जनसंख्या के आधार पर आप कमी निकालने वाले हैं वो जनसंख्या आपकी पुरानी वाली जनसंख्या नहीं होगी, वो आपकी जो नई वाली जनसंख्या है जो वृद्धि के बाद आई है वो होगी। तो आपकी नई जनसंख्या क्या आई है, वर्तमान जनसंख्या प्लस वृद्धि, यानी कि यही वाला जो आपका पुराना वाला था 11,200 प्लस 11,200 का 25%, उसको यहाँ पे लिखेंगे और उसका 15% निकालेंगे, तो यह ध्यान में रखेंगे आप। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में आपका एक चीज़ ध्यान में देखने को मिलेगा कि 25% जो आपका है उसको हम 25/100 लिख सकते हैं, 15% को 15/100 लिख सकते हैं, और इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको इन दोनों दोनों टर्म में जो आपका 11,200 धन 11,200 गुणे 25/100 है वो कॉमन दिखेगा, तो इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ पे 1 बच जाएगा और यहाँ पे 15/100 बच जाएगा, तो यहाँ पे 1-15/100 बच जाएगा। तो अब आपका काफ़ी सिंपल हो गया है ये प्रश्न, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11,200 को भी बाहर उठा के ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 11,200 भी कॉमन दिख रहा है हमको, तो 11,200 1+25/100 और 1-25/15/100 ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे 25/100 को 1/4 कर देंगे और 15/100 को 3/20 कर देंगे, और ये 1 धन 1/4 5/4 होता है, और 1-3/20 17/20 होता है, और इसको फाइनली जब हम काट पीट के हल करेंगे तो 11,900 जो है आपका उत्तर आएगा। तो आपका विकल्प कौन सा सही है, दूसरा विकल्प जो है आपका सही है। तो पहली जनसंख्या 11,200 थी और 2 वर्ष के बाद 11,900 हो जाएगी। तो ये था आपका इसका विस्तृत हल। अगर आप इसको किसी दूसरे मेथड से करते तो वो उससे भी लंबा जाता। आप क्या करते, पहले साल के अंत में निकालते फिर दूसरे साल के अंत में निकालते तो वो काफ़ी लंबा होता। मैंने इसको एक ही स्टेप में कर दिया है। इससे भी आसान क्या हो सकता है कि अगर आप डायरेक्ट फार्मूला याद कर लें, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए आप, अगर आपको इस तरह का जब भी प्रश्न आए तो आप वर्तमान जनसंख्या कितनी है 11,200, यहाँ पे ध्यान से देखिए लाइन नंबर जो आपका यहाँ पे है 11,200 1+25/100 1-15/100 जो आपको दिख रहा है वो आप ध्यान से देखिए, ये जो है आपका एक तरह का फॉर्मूला है। जब भी आपको जनसंख्या घटते और बढ़ते वाला पूछे तो पहले क्या करिए, जनसंख्या को लिखिए 11,200 और 1+25/100, 1 के साथ प्लस करिए, 25/100 वो प्रतिशत जो आपका चेंज हो रहा है, तो अगर आपको घट रहा है तो माइनस में लिखिए, बढ़ रहा है तो प्लस में लिखिए, तो 11,200 1+25/100 और दूसरे साल में 1-15/100 ये हो गया। चलिए मान लेते हैं अगर इसी प्रश्न में ये होता कि तीसरे साल में जनसंख्या जो है 10% फिर बढ़ रही है, तब तीसरे वर्ष के अंत में बताइए कितना होगा। तो इसी में हम क्या करते,
गुणे में लिख लेते 1 माइनस 1 प्लस 10/100। तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसमें 1 प्लस 10/100 लिख देते और हल करते तो आपका वो आ जाता। तो काफ़ी सिंपल, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए। अगर आप किसी छोटे ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें काफ़ी कम टाइम हो तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।